और सिंध हाई कोर्ट ने आमदन से ज्यादा साजात केस में खुर्शीद शाह की बरियत के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की रिहाई के फैसले के खिलाफ नैब की दरखास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए कहा कि सैयद खुर्शीद शाह समेत 18 अफराद के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ का रेफरेंस दायर किया जा चुका है। मुल्जिम गिरफ्तार है और एहतसाब अदालत में केस भी चल रहा है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एहतसाब अदालत ने 17 दिसंबर को रेफरेंस दायर न होने पर रिहाई का हुक्म दिया था। एहतसाब अदालत ने 50 लाख रुपए के मचलकों पर रिहाई का हुक्म दिया था। वकील खुर्शीद शाह ने कहा कि हमने जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर रखी है, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के रिहाई के फैसले को कलअदम करार दे दिया है।